ओके सो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। बहुत लंबे गैप के बाद थोड़ा बीमार था मैं और एक दो शादी भी अटेंड करनी थी, तो आज फ्री था तो मैंने सोचा एक व्लॉग करते हैं। और आज हमारे साथ हैं सौरभ भाई। किधर हो भाई, शक्ल तो दिखा दो। सौरभ भाई हैं आज हमारे साथ। तो अभी पहले जा रहे हैं प्री वर्कआउट मील लेने, तो देखते हैं क्या मिलता है। केले मिले तो केले ले लेंगे, नहीं तो शकरकंद खा लेंगे। तो 2 3 हफ्ते निकल गए मेरे इसी में बीमारी में। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा रेस्ट करो, कुछ टाइम तक मत करो वर्कआउट, तो इसलिए आज कंटिन्यू करते हैं ऑलमोस्ट 1 महीने। क्या करेंगे आज? चेस्ट चेस्ट वर्कआउट करते हैं आज। तो देखते हैं कैसा आता है वर्कआउट। वैसे इतने दिनों बाद कर रहा हूँ तो शायद थोड़ा वीक फील हो। ये तो खैर अभी रेगुलर ही कर रहा है तो इसका तो अच्छा ही जाएगा। तो देखो अभी देखते हैं पहले खाने को क्या मिलता है, उसके बाद चलते हैं जिम। और अगर टाइम मिला तो इसको हेयर कट कराना है भाई को, वैसे लगेगा फिर भी चूतिया ही। तो इसे हेयर कट कराना है क्योंकि इसे शादी में जाना है अभी। तो अभी देखते हैं खाने को क्या मिलेगा, तो देखते हैं क्या ही लाइटें आ रही हैं भाई मार्केट में। देखा भाई टैक्सी सा बोल, तुम देखो ना शकरकंद मिली ना केले, अब क्या खा रहे भाई बर्गर। ये तरुण गिल के फैन है, तरुण गिल के प्री वर्कआउट में बर्गर। ठीक है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। अब खाते हैं बर्गर, उसके बाद जिम जाएंगे। आज ही खा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि आज डाइट नहीं करी थी ना तो कुछ है नहीं बॉडी में, तो थोड़ा खाऊंगा। क्या आता है ये बंदा, जब यहाँ आता है ना मेरे पास तब बर्गर खा के जाता है। ये देखो मेन्यू रख के और बैठा है, आज एक खाऊंगा। हाँ वैसे दो खा। भाई कैसे कैसे लोग जिम करते हैं यार, डाइट नहीं होती उनसे। मेरे को देखो यार, हमेशा ऑन पॉइंट डाइट रहती है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करता हूँ अकाउंट में, और पैसा इकट्ठा करने के बाद स्टॉक्स लेता हूँ। हाँ और फिर हर्षद मेहता की तरह करोड़पति बन जाएगा। भाई नई डील, बर्गर में डाला करो ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स, एकदम पिज्जा वाला स्वाद देगा। ठीक है, बर्गर खा के जिम निकल रहे हैं और ये फोन चला रहे हैं तेरी माँ की चीज, और मैं इसकी गांठ तोड़ रहा हूँ। और कुछ तुम्हारे दोस्त होते हैं ना माधरचोद, जो खाते टाइम से तुमसे ही पेमेंट कराते हैं। योनी मादर चौदह में से एक है। अबे जा भोसड़ी के, ये मादर चौदह ने आज तक बहन के लौटे ने 1 रुपए की टॉफी नहीं खिलाई होगी मुझे। कब खिलाई तूने बोल कैमरे में? बोल के जब भी आता हूँ तुझे मैं ही खिलाता हूँ। चल बड़े अभी पेमेंट करवा गया है, मैंने बोला भाई वीडियो बना लूँ, तो कहता है भोसड़ी के तू ही पेमेंट कर गया। ठीक है, जिम में आ चुके हैं, चालू करते हैं अपना चेस्ट का वर्कआउट। पहले लेंगे वार्मअप, वार्मअप में लेते हैं थोड़े पुशअप्स और लाइट वेट से थोड़ा डंबल प्रेस। आज तुम्हारा भाई पूरा ब्लैक। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Feeling like the light has just come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come, the birds.
words have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. हाँ तो जा। हाँ भाई, तो जिम से बाहर आ चुके हैं और इन चूतिया साहब का कहना है कि पहले बाल कटाने हो, जबकि मुझे कुछ खाना है भाई, सीधी तो बात। पहले खाते चल, फिर कटवाएंगे। मैंने बोला बाद में कटा लियो, तो बोलता है तुझे लेके जाऊंगा कि तेरे ऐसे कटाने हैं। मेरा खुद ही चिड़िया का घोंसला हो रखा है, कटा ले ऐसे चूतिया। आएगा भाई, जल्दी बता, जल्दी बोल भाई। शकरकंदी नहीं मिल रही, सोया चाप खाएगा, प्रोटीन पूरा हो जाएगा। और घर पे जाके मस्त वे प्रोटीन लूँगा, रोटी खाऊँगा, दाल खाऊँगा और सो जाऊँगा। कल से करेंगे भाई ऑन पॉइंट डाइट। एक महीना पूरा वेस्ट चला गया शादी और बुखार के चक्कर में, तो अभी चल के खाते हैं सोया चाप, ठीक है। और ये साले देखो, इन्हें सालों को हर चीज़ सेम मेरी ऐसी चाहिए। अब इन्हें कौन समझा कि साले तुम्हारे बाल अलग हैं, मेरे अलग हैं, कैसे समझाऊं मैं इसे। लेकिन नहीं, उंगली करनी हर चीज में। हाँ बोला पड़वे, क्यों कटाने तो मेरे ऐसे बाल? तूने अभी क्या बोला कि मैं तेरे को लेके जाऊंगा कि मुझे ऐसे लौंडे ऐसे बाल कटाने हैं? क्यों बोला तूने ऐसा? जूते तो ऐसे मेरे ऐसे लेने हैं, चाहे कलर भी सेम हो। मैं सोचता हूँ सालों को शर्म नहीं आती कि सेम जूते पहन के घूमेंगे। एक बंदा वाइट जूते नहीं पहन सकता, वही बताओ। सेम जूते पहन सकता है, ठीक है, वाइट पहन सकता है, लेकिन जरूरी है सेम बिल्कुल। अब भाई मैंने एडिडास खरीदा तो इसे भी एडिडास चाहिए। पहले मैं नाइकी पहनता तो इसे नाइकी पहनना था। ओ हाँ भाई, नाइकी कहाँ पहना भाई? तो नाइकी जो ये पहना है ना, जो नाइकी पहना है ये इसने तब पहने जो जब इसे मेरे वाले जूते नहीं मिले, मेरे जूते आउट ऑफ स्टॉक हो गए तब, सिर्फ इस वजह से। अब बोल, अब कोई जवाब है तेरे पे? बोल 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 तू आज एंगलन ओके। तो भाई पोस्ट वर्कआउट के बाद हमारा चल रहा है मलाई चाप, कोक और ये चूतिया। अरे आज ही खा रहे हैं भाई, हमारा डेली का कुछ सीन नहीं है। सोचा तो थोड़ी हाई प्रोटीन मील मिल जाए, तो इसके अंदर थोड़ा सोया होता है जिससे प्रोटीन मिलेगा, तो ये खाते हैं फिर चलते हैं घर। जो जिसने नहीं खाई ट्राई करना, बढ़िया चीज़ है। कैसी लगी पहली बार खाई? मज़ा, तो खाना जरूर भाई, बढ़िया चीज़ है, हेल्दी भी है थोड़ी, डेली नहीं क्योंकि थोड़ा ऑयली होती है इसलिए। चलो भाई मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं खा के। शायद पहले से बाल कटाने हो तो उसके बाल कटवाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे अगर, फिर ब्लॉग एंड करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, तेरे बस की बात है। अभी हमने जस्ट सोया चाप खाया, मलाई चाप खाया, चूतिया अबे मलाई चाप, बाल कटा ले एक ही बार। रात के 10 बजे बाल कटा रहा है, यहाँ पे कटवाएगा? अबे नहीं नहीं, यहाँ से तूने कटवाए वहीं से कट। अरे तेरी माँ की, तू यहीं से कटवाए मैंने भोसड़ी के, देख ले वापस लौट गया। अरे उधर
सब ऐसे भाई मेरे जैसे ही करना है, सब बाल भी मेरे जैसे, उसी दुकान में जैसे मैं कटाऊंगा। आज आया क्यों आया? आगरा में दुकानें नहीं है या सिर्फ नोएडा और दिल्ली में दुकानें हैं? और इसने बकायदा भैया को दिखाया भी है कि हाँ इस लोंडे ऐसे काटने हैं। भैया ने मेरे बाल ऐसे पकड़े और देखा, अच्छा तभी मैं समझ गया था कि ये नहीं सुधर सकता। आज तो फुल एक्सपोज है भाई, आज से मैं सौरभ का पापा हूँ। ठीक है सौरभ, साले कच्चे बनियान सब मेरे ऐसे खरीद ले, तू कुछ मत छोड़ियो हैं। बीवी भी मेरी जैसी लगी हो जुड़वा मैंने तो भाई के बाल कट रहे हैं तब तक तो हम अपनी। हाँ भाई यार, छत्ता तो मेरा भी हो रखा है, जिम करके आया हूँ, पसीने में हो गए उल्टे सीधे। तब जाएंगे भाई घर पे, अपना आराम करेंगे चैन से। ये सुबह निकलेगा अपनी शादी के लिए, अपनी शादी नहीं मतलब जहाँ भी ये जा रहा है। मैं करूँगा आराम भाई, अब वर्कआउट एकदम प्रॉपर करेंगे डेली। एक महीने का गैप हो गया तो वो नहीं होने देंगे अब, और रेगुलर रहेंगे। अब तो तबीयत ठीक है वैसे मेरी, दोबारा से गेन करेंगे और बिगिनर सीरीज़ के ड्रॉप करेंगे 6-7 एपिसोड, और व्लॉगिंग अपनी चालू रखेंगे बीच बीच में। तो यही प्लान है, देखते हैं। थोड़ा डिवाइस का भी इशू हो जाता है कि मेरा डिवाइस ढंग से काम नहीं करता, इसका डिवाइस बढ़िया है। फकीर ये ब्लॉगर बनेंगे, ये इन्हीं गांड फटती है कैमरा देख के। चलो भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, व्लॉग को एंड करते हैं। तब तक मैं इसकी और मार लूँ थोड़ी, इतनी मारनी नहीं चाहिए वैसे कैमरे पे अपने दोस्त के। हाँ ये बोल रहे हैं ये बाद में मेरी मारेंगे, देखियो बिहाइंड द सीन्स डालूंगा तब देखेंगे कौन किसकी मार रहा है। चलो भाई तब तक ध्यान रखो, जिम एम के वीडियो जब आएंगे व्लॉगिंग अपनी चलती रहेगी थोड़ी बीच बीच में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब कर जाना भाई लोग जितने भी हैं। तब तक के लिए टाटा।